हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चंदा स्टडी सेंटर में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए। इससे मेरे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियो आप तक रोज़ लेके आता रहूँ। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है, साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन अ सिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द फेडरिक पिन कोट अवार्ड फॉर द 2017 from the Indian High Commissioner Y.K. Sinha for promoting Hindi cinema in Britain for the last 18 years। ठीक है, लंदन स्थित एक दक्षिण एशियाई सिनेमा फाउंडेशन को पिछले 18 सालों में ब्रिटेन में हिंदी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उच्चायुक्त Y.K. Sinha द्वारा फ्रेडरिक पिनोट पुरस्कार 2017 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि लंदन में स्थित एक देश दक्षिण एशियाई सिनेमा फाउंडेशन को 18 सालों में से ब्रिटेन में हिंदी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए किसको जो है वो फ्रेडरिक पिनोट पुरस्कार 2017 जो है मिला है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये बनेगा, हु वॉन द फेडरिक पिनकॉट अवार्ड फॉर 2017 फॉर द इंडियन हाई कमिश्नर। उनका नाम है Y.K. Sinha। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ठीक है, अगली न्यूज़ है, द इंडियन 15-year-old शूटर अनीश भनवाला वॉन अ गोल्ड मेडल एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन द 25-meter रैपिड फायर पिस्टल इवेंट विच वॉज द इंडिया थर्ड गोल्ड एट द इवेंट। भनवाला वॉज प्लेस 7th इन द सेम इवेंट एट द ISSF सीनियर वर्ल्ड कप। भारत के 15 वर्षीय शूटर अनीश भनवाला ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। इस आयोजन में भारत का ये तीसरा स्वर्ण था। भंवाला ISSF के सीनियर विश्व कप में समान आयोजन में 97वें स्थान पर थे। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन बनेगा कि हु वॉन द 15 वर्षीय शूटर कौन है जिन्होंने 15 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जो है वो एक गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है गाइस, उनका नाम है अनीश भनवाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ठीक है, अगली न्यूज़ है, इंडिया हैज़ रैंक्ड 67th इन द फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड एज ऑफ द फरवरी विच हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 76th पोजिशन लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स। However, India's rank for mobile internet download speed remain constant at 109th position globally। ठीक है, ओकोला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक फरवरी के मुकाबले भारत में निर्धारित ब्रॉडबैंड स्पीड में 67वां स्थान रहा है, जो पिछले साल 76वें स्थान से बढ़ गया है। हालांकि वैश्विक इंटरनेट डाउनलोड गति के लिए भारत का रैंक विश्व स्तर पर 109वें स्थान पर स्थिर रहा। तो आने वाले क्वेश्चन में बन सकता है कि ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के आधार पर इंडिया की क्या रैंक है पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के स्पीड के लेके, वो है 76। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज़ की तरफ। ठीक है, अगली न्यूज़ है, ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डाउन सिंड्रोम वॉज ऑर्गेनाइज बाई द नेशनल ट्रस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड न्यू दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिका मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय यास ने आज यहाँ डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, इसके जो मंत्री हैं वो हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है, तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु एंड द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना मिस्टर जोंग शान को चेयर द 11th मीटिंग ऑफ द इंडिया चाइना जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस ट्रेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द न्यू दिल्ली। ठीक है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और चीन के वाणिज्यिक मंत्री श्री जोंग शान ने नई दिल्ली में आर्थिक संबंध व्यापार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत चीन संयुक्त समूह की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की।
ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, वो हैं सुरेश प्रभु। ठीक है, इनसे पहले थे, एक थे सुरेश प्रभु हैं, ठीक है, आपको याद रखने हैं। और किनके बीच में जो है वो मीटिंग हुई है, 11वीं जो है मीटिंग हुई है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूज़ की तरफ। फरारी जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन बेटल हैज़ वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। फरारी के जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन बेटल ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो अभी एक फरारी जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन बेटल है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा सेबेस्टियन बेटल ने वो प्रतियोगिता जीत लिया। और ये कहाँ से हैं कई बार ये पूछ सकते हैं, तो वो हैं जर्मन से, फरारी के लिए ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर साइन द होस्ट कंट्री एग्रीमेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और विदेश मंत्रालय ने मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ISI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है गुरुग्राम में है, ठीक है, हरियाणा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हरियाणा, हरियाणा की मैं बात करूँ कैपिटल इज चंडीगढ़। ठीक है, और यहाँ के हैं चंडीगढ़ को, यहाँ पे जो है वो मनोहर लाल खट्टर, खट्टर कप्तान सिंह सोलंकी हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है, और यहाँ पे हैं दो नेशनल पार्क, एक है किस सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर श्री ज्वाल ओराम विल लॉन्च ई ट्राइब्स इंडिया इन न्यू दिल्ली। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री श्री ज्वाल ओराम ने दिल्ली में ई ट्राइब्स इंडिया का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है, वो हैं श्री ज्वाल ओराम। ठीक है, उन्होंने ई ट्राइब की जो है वो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पुट हो सकता है कि ट्राइब मिनिस्टर श्री ओराम विल लॉन्च ई ट्राइब्स इन विच सिटी, तो राइट आंसर होगा गाइस वो ऑप्शन नंबर ये होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आपको कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतनी ही न्यूज़ थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोज़ अब तक लेके आता रहता हूँ ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।